पुलवामा में एक डेंगू का केस जो है निकला था, उसकी वजह से अभी भी मिले तारे जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर जो है डॉक्टर्स ने, गवर्नमेंट डॉक्टर्स की टीम ने आज एक कैंप लगाया गया, फ्री मेडिकल कैंप गुलबाग में। ये कैंप में तकरीबन सबको, अतराफ के लोगों को दवाएं दी जा रही है, फ्री दवाएं दी जा रही है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो डेंगू की दवाएं हो, सबके लिए दवाएं दी जा रही हैं। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सारे कारकुन यहाँ पर मौजूद रहकर सबको जो है बता रहे हैं कि डेंगू किस वजह से आता है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है, और डेंगू का मच्छर गंदे पानी में पैदा बिल्कुल नहीं होता। ये सब आप सब दिमाग से निकाल दीजिए कि डेंगू का मच्छर गंदे पानी में या फिर सेवरेज वाटर में पैदा होता है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, जो पानी रनिंग वाटर में भी नहीं, वो जो दौड़ता हुआ पानी, बहता हुआ पानी में भी साफ पानी में नहीं होता। जो अपने घर में टैंक्स होते हैं खुले रख देते हैं, उसके अंदर सुबह के टाइम पे डेंगू का मच्छर पैदा होता है। जो घर के पास टायर्स रहते हैं, टायर के अंदर जो साफ पानी रह जाता है, उसके अंदर डेंगू का पानी पैदा होता है। जो आपके घर में छोटे गड्ढे हो जाते हैं, उस गड्ढे में अगर साफ पानी जमा हो जाए तो उसके अंदर डेंगू का मच्छर पैदा होता है। मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके सबके घरों में साफ पानी जहां भी ठहरा हुआ है उसको साफ करते रहें, अपने सम को ढक्कन से ढाप के रखें, अपनी टैंक को ढाप के रखें, और जो टायर्स में पानी है वो निकाल दें, गंदगी को साफ करें, तो आपके घर में डेंगू का मच्छर नहीं आएगा। और इस सब से अगर बचना है तो जीएचएमसी की टीम को भी हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से आपके बस्तियों में भेजेंगे, और आपके पानी में जो सम का पानी है उसके अंदर दवा डालने लगेंगे। मैं एक बार फिर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से डॉक्टर्स जाना जयपाल रेड्डी साहब का और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहां पर फ्री मेडिकल कैंप लगवाया। थैंक यू। आज की टाइमिंग क्या है सर? ये 9 o'clock टू 2 o'clock। शुक्रिया। इधर हेल्थ कैंप लगाने आ गए हैं हम लोग, इधर बाबा नगर में माइसराम पीएचसी का डॉक्टर हो गए हम लोग। इधर एक डेंगू केस था, अभी बच्चा भी अच्छा हो गया, हमारा फर्स्ट टेस्ट किया था पॉजिटिव आया था, अभी बच्चा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा हो गया। होने के बाद यह नजदीक कोई डेंगू वाला है तो आके टेस्ट करा सा करा रहे, फिर भी किसी को नहीं निकले, फिर भी किसी को बुखार आ सकता, वायरल फीवर हो सकता, इसलिए हम लोग कैंप लगाए। काम लगा था आज वो बहुत लोग आ रहे, ऑलमोस्ट अभी तकरीबन ऑलमोस्ट अभी 150 तक आ गया। पहला दिन सर आपका? अच्छा, तो पहला दिन है यहाँ पे, आज फर्स्ट डे है यहाँ पे, आज फर्स्ट डे है। एक ही दिन लगाते साहब एक ही दिन लगाते, कितना लोग आए थे आज देखते। अब दवा पूरा दवा है, एक एंटीबायोटिक्स है, खांसी का शरबत है, और बुखार का दवा भी है, कुछ क्रीम भी लेकर आए हम लोग, छोटे बच्चे के ड्रॉप सिरप लेकर आए, बड़ों के भी लेकर आए हम लोग, मगर ये लोग अच्छा से आके दिखा रहे हमारे को। ये शाम के शाम 2 बजे तक रहते, अच्छा, शाम 2 बजे तक रहते हैं क्या, सुबह से अच्छा।